वेलकम डियर ऑल। आज इस वीडियो में हम एनआईओएस के 12th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट पेंटिंग जो न्यू सिलेबस है उसका चैप्टर नंबर 8 का ये थर्ड पार्ट है। और इससे पहले मैंने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट अपलोड किए हैं, आप वो जरूर देखिए सुनिए। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके एग्जाम्स तक मैं जो है पूरा सिलेबस कवर अप करूँ और अच्छी तरह से आप स्टडी कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो है हमने इंट्रोडक्शन देखा था पहाड़ी पेंटिंग का, और उसके बाद हमने जो है अंडर द कदम्बा ट्री कंगरा स्टाइल, ये भी हमने इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन और सारी चीजें जनरल डिस्क्रिप्शन वगैरह सब हमने देखा था। फिर द रेन कंगरा स्टाइल ये भी हमने देख लिया था, तो आप इससे पहले के वीडियोस में देख सकते हैं। आज हम नया टॉपिक जो न्यू टॉपिक है कृष्णा रोमांस राधा विता लोटस बसोली स्टाइल ये देखेंगे। इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन है स्पीसीमेंस ऑफ अर्लियर पेंटिंग ऑफ द बसोही स्टाइल कैन बी फाउंड इन ऑल द हिल स्टेट ऑफ पंजाब। बसोली पेंटिंग आर सिंपल वर्क फुल ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रिमिटिव विटैलिटी। तो अगर हम इसको देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो ये पेंटिंग है स्पेशली इस पेंटिंग का जो बसोली शैली या बसोली तरीके से जो है इसे क्या इसकी शुरुआत हुई पंजाब के पहाड़ी जो अमीर लोग रहते थे जो राजा महाराजा लोग रहते थे उस उन जगहों पर ये शुरू हुई। जिस तरह से मैंने कहा जो बसोली तरीका है या शैली जिसको कहते हैं उसकी शुरुआत जो है पंजाब के पहाड़ी जो रियासी यानी कि जो अमीर राजा महाराजा होते थे वहां उन जगहों से इसकी शुरुआत हुई। और बस लीली जो चित्र है बहुत सरल होते थे और इनमें जो है ऐसा दिखाया जाता था कि जैसे बहुत ही शक्ति और एक अलग ही उनका जो है उसमें प्रदर्शित होता था जो एकदम सुंदर तरीके से दिखाया जाता था और शक्तिशाली दिखाया जाता था, मतलब वो बहुत प्रभावी होता था। जो चित्र जो रहते थे उनको रेखाओं के द्वारा लाइनों के द्वारा कलर्स जो रंग्स होते हैं उनको बहुत कलर के द्वारा अट्रैक्टिव बनाया जाता था, वो बहुत ही प्रभावशाली होते थे। चित्रों ने जो चित्र होते थे और जो चित्रकार होते थे बहुत ही स्पष्टता से एकदम साफ तरीके से वो कार्य करते थे उसको बनाने के लिए, और चित्रों में ऐसे लगता था कि उन्होंने जान डाल दी है एकदम उसे चित्र को, एकदम नजर आता था कि कुछ स्टोरी है कुछ जीवित चीजें हैं। और जो चित्रकार थे वो बहुत कम से कम ऐसा परिश्रम कर मतलब बहुत कम समय में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते थे दिखाते थे। और ये बसोली की जो चित्र की जो सबसे बड़ी विशेषता जो है वो है कि जो हरे हरे और आजू बाजू के जो हम चित्र मतलब उसमें जो चित्र नजर आते हैं या जो हम सीनरी जिसको कहते हैं सीनरी नजर आती है वो उसकी खास विशेषता है। फिर उसमें जो है एक ऐसा प्रेम का वातावरण दिखाया जाता है, जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही प्रेम वाला रहता है। फिर एक अनोखी तरीके की पेंटिंग यहाँ पर इस्तेमाल की जाती थी, तो मैं आपको पहले हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर इसके बाद हम इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है ये पेंटिंग की खास बात होती थी कि बहुत अनोखे तरीके से बनाई जाती थी, उसमें जो है जमीन और जो है आसपास की जो जगहें हैं उनको भी कलर किया जाता था पेंट किया जाता था। और जो राजा होते थे उस समय के बसोली के जो शासक या राजा जो होते थे वो अलग अलग जो है सब्जेक्ट लेकर जो विषयों को लेकर वो क्या करते थे इस तरह की पेंटिंग को बनवाया करते थे। और जैसे मैंने बताया था वहाँ पर हम देखेंगे कि वो लोग किस तरीके से पेंटिंग बनाने के लिए पहले तैयार करते हैं, एक पूरा फ्रेम तैयार करते हैं उस पर वो पेंटिंग बनाते थे। तो इस तरह के उस समय जो राजा महाराजा थे वो बहुत शौक रखते थे उनका पेंटिंग्स के प्रति, तो वो इस तरह की पेंटिंग बनवाते थे। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने स्पेसिमेन ऑफ अर्लियर पेंटिंग ऑफ बसोली बसोहिली स्टाइल कैन बी फाउंड इन ऑल द हिल स्टेट ऑफ पंजाब। बसोही पेंटिंग आर सिंपल वर्क फुल ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रिमिटिव विटैलिटी। मैंने जैसे बताया कि बहुत ही सुंदर तरीके से
और बहुत ही साधारण तरीके से बनाई जाती है। द पैटर्न इज डोमिनेटेड बाय लाइंस एंड कलर्स। जो पैटर्न होते थे वो लाइंस और कलर पे यानी कि रंगों पर निर्भर होते थे। इतने अच्छे तरीके से वो लाइनों का और कलर्स का इस्तेमाल किया जाता था। वसूली पेंटर वर्क विद द फियरलेस पैशन इन पार्टिंग एनर्जी एंड पावर टू देयर वर्क। वो लोग जो है बिना किसी भय के डर के बहुत ही पैशन के साथ में एनर्जेटिक होकर यानी कि पूरे उत्साह से वो जो है कार्य करते थे, पेंटिंग करते थे। आर्टिस्ट अटेंड मैक्सिमम एक्सप्रेशन विद मिनिमम मींस ज्यादा वो काम करते थे, बहुत कम समय में करते थे। लूज लैंडस्केप आर स्पेशली फीचर ऑफ 17th सेंचुरी वसूली पेंटिंग। लव पेविलियन आर फ्रिक्वेंटली सीन सेट इन दिस लैंडस्केप। तो हम देखते हैं कि जैसे मैंने बताया प्रेम उसमें दिखाया जाता था और जो आसपास की जो जमीन है वहां का वातावरण वहां पे नजर आता था। राजा क्रिपल वॉज द रूलर। जो राजा थे क्रिपल वहां के विराज करते थे। एंड ही डेवलप फाउंडनेस फॉर पोजिशंस। आगे हम देखते हैं इलुस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट ऑन वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट। तो अलग अलग विषयों पर उन्होंने जो है पेंटिंग बनवाई। ही वॉज अवेयर ऑफ द मुगल स्टाइल। तो मुगल स्टाइल को वो जानते थे। रसम जहरी और भगवत पुराण एंड गीता गोविंद वेयर इलुस्ट्रेटेड एंड कृष्णा हैड अ प्रोमिनेंट प्रेजेंस इन ऑल दिस मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये जो है ये भगवत पुराण, गीता गोविंद और रसम जारी ये सारी चीजों में कृष्ण भगवान वहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी वसूली लीडर शोज द स्पेशल फॉन्डनेस फॉर अ रसमन जरी एंड दिस किंगडम प्रोड्यूस सम फिट फाइनेस्ट इलुस्ट्रेशन ऑफ रोमांटिक टेक्स्ट बाय बहुदत्ता पेंटेड बाय आर्टिस्ट देवीदास। ओके, तो ये सारी जो चीजें मैंने आज यहाँ पे आपको बताई। एक खासकर जो है हम देखते हैं कि उस समय बसोली जो जगह था वहां का जो राजा था उसे मैंने बताया कि जो अलग अलग विषयों पर उसे पसंद था चित्र बनवाना। फिर औरंगजेब के काल में जो मुगल काल कहा जाता है उसमें बहुत ही बारीकी से जो है बनाई गई बहुत सारी पेंटिंग और इसमें रसम मंजरी, भगवत पुराण और गीता गोविंद की भी जो है चित्र वहां पर तैयार किए जाते थे जिसमें कृष्ण का जो है खास तरीके से एक रोल होता था। और 18th सेंचुरी या 18वीं शताब्दी के समय में बसोली के जो शासक थे यानी कि वहां के राजा थे रसम रंजनी के प्रति उन्होंने एक खास लगाव दिखाया। उनको वो विशेष तरह से पसंद आ गई। उन्होंने भानुदत्त जो वहां पर थे उनके द्वारा एक और चीज तैयार की प्रेमाखन और उस पर उन्होंने चित्र बनवाया और उसको उसका तो देवीदास जिसे कहा गया 1694 से 95 तक ये पूरा काम किया गया और चित्र तैयार किए गए। बसोली का जो चित्र है उसका जो तरीका है वो अपने तरीके में एक अलग ही है, बहुत ही अलग हम बोल सकते हैं। और वो अपने जो है स्थानीय जो वहाँ की जो जगह थी उसमें वहाँ पर वो एकदम जिस तरीके से वो लोग बनाते थे यानी कि खासकर कलर कॉम्बिनेशंस जो कलर बना कलरों का जो वो लोग इस्तेमाल करते थे और कलर कॉम्बिनेशन के अलावा जो चित्र बनाते थे ड्राइंग बनाते थे वो इतनी बारीकी से उसको अलग अलग तरह अलग अलग जगहों पर इस तरीके से फिट करते थे कि वो देखने में बहुत ही सुंदर लगती थी। और खासकर वो लोग आंखों पे ध्यान देते थे, फिर शरीर की बनावट पे ध्यान देते थे और ये सब कारण थे जिससे वो उनका चित्र जो है बहुत ही सुंदर लगता था। और 17वीं और 18वीं शताब्दी में वो बहुत ही 17 एंड 18 सेंचुरी में बहुत ही फेमस हो गए और बहुत ही जो है जो है वहां पर फेमस हुए, मजबूत हुए। इस तरीके से ये जो पेंटिंग है खासकर उस समय बहुत ही खास थी, उसका जो स्थान है बहुत ही खास था। तो कृष्णा रोमांस राधा विद लोटस इस पेंटिंग के बारे में मैं बता रही हूँ।
दब स्लोली मैंने 1694 टू 95 तक रीड किया था. आगे का हम देखते हैं. दब स्लोली स्टाइल रिमेन्स यूनिक एंड इज वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट एक्सप्रेशन इन द मिनिएचर पेंटिंग ऑफ द 17th and 18th century. जिस तरह से मैंने अभी बता दिया, विथ इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक एथिक टाइप, बोल्ड कलर स्कीम्स, वुडन आर्किटेक्चरल मोडिफाइज, लार्जर स्ट्रिंग आई, स्पेशली जो आंखें थी, एंड रोबस्ट फिगर्स. तो जो शरीर की जो बनावट थी, आंखें थी, वो बहुत उस पर वो लोग ध्यान देते थे, है ना. टाइटल है इसका कृष्णा रोमांसिंग राधा विद द लोटस, और इसका पीरियड है 1662 17th century. प्लेस है बसोली. हाँ बराबर है. मीडियम ओपेक्यूट वाटर कलर ऑन पेपर कलेक्शन है विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूजियम लंदन. आगे हम देख लेते हैं इसका जनरल डिस्क्रिप्शन. तो जनरल डिस्क्रिप्शन में खासकर बात हुई है द सेलिब्रेटेड पेंटिंग फ्रॉम द रसमंजरी शोज द क्वार्टरली कोटली कृष्णा एंड राधा इन टू डिफरेंट सेगमेंट. तो ये जो रसमरी की जो रसमंजरी कि जो चित्र है या जो उसकी ड्राइंग है, उसमें एक उसके प्रति लोगों का अलग ही नजरिया था. लोग उसे बहुत पसंद करते थे, वो बहुत फेमस हुई थी. और इस चित्र में जो है ड्राइंग में कृष्णा के जो हाव भाव है, उसका जो रूप है, और जो उसको जो मेकअप किया गया है, श्रृंगार जिसे कहते हैं, वो बहुत ही सुंदर है. और जो नायिका है यानी कि राधा है, वो भी बहुत ही अलग तरीके से उसमें उसको सजाया गया है. बहुत ही डिफरेंट सेगमेंट में वहाँ पे वो दिखाई दी गई है. अनलाइक अ कंगरा कृष्णा वी सी दैट बसोली कृष्णा इज अ अर्बन एंड सुवा. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रसिका प्रिय को एक अलग जो है वातावरण में दर्शाया गया है. कंगरा शैली जो रहती है वो चित्र कृष्णा के रूप में बहुत ही अलग तरीके से बताया गया है. और कृष्णा को जो है जो वहाँ के सामान्य जीवन है, जो लोग रहते हैं, नागरिक लोग जो रहते हैं, उसके रूप को भी वहाँ पर दिखाया गया है. फिर राधा के साथ कृष्ण के अलग अलग रूपों को बदलकर राजश्री जो राजाओं का रूप रहता है उसमें भी दिखाया गया है. कृष्णा को भगवान या भगवत के एक पशुपालक के साथ में शरारत करते हुए, ग्वालों के साथ में शरारती बच्चे के जैसा दिखाया गया है. और अलग अलग दिखाया गया है, जैसे कि कोई राजा का वेश यानी राजा का जो क्या कहते हैं उसे, राजा जैसा दिखाया गया है. और कृष्णा को एक जो है राज करने वाला राजा दिखाया गया है, और बहुत ही खुश दिखाया गया है. और उसमें एक ऐसा कविता जैसा हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से उसको बताया गया है. उसके जो है वहाँ पर जो मौसम होते हैं या ऋतुएं होती है, फिर जो गार्डन होते हैं उनको दिखाया गया. मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास उसमें टाइम कम है पढ़ने के लिए. और राधा और जो कृष्ण है उसके प्रेम को जो समाज के प्रेम के साथ में और राजाओं के साथ में उसको एक्सप्लेन किया गया है, व्याख्या की गई है. उस समय जो है राजपूत जो घराने के को बहुत प्रभावित करते थे क्योंकि वे भी जो है इसमें अपने जीवन में पालन करते थे. कृष्णा हाथ में एक कलम लिए, कमल लिए हुए, फूल लिए हुए है, और राधा जो है महल में बैठी है. यहाँ राधा जो है महल में तकिए का सहारा लिए हुए बहुत ही कॉन्फिडेंट में और बैठी है, और रानी जैसे बैठी है, रानी के अंदाज में तरीके में बैठी है, जो कगड़ा शैली में दिखाई गई है. बहुत शर्मीली दिखाई गई है और लचीली दिखाई गई है. और यहाँ जो है वृंदावन जो गार्डन है वो दिखाया गया है. और राधा को एक राजपूत दरबार में बहुत सुंदर वातावरण में दिखाया गया है इस पेंटिंग में. सो मैंने इसे आपको एक्सप्लेन किया है. आई होप ये आपको क्लियर हुई होगी. आप इसे स्टडी कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं. मैंने पूरी कोशिश की है कि जो ये पेंटिंग है वो आपको क्लियर समझ में आए. आई होप ये आपको क्लियर हुई है. कृष्णा रोमांसिंग विथ अ लोटस. अगर आपको मेरे वीडियो यूजफुल लगते हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए. थैंक यू.